एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं फिर से बच्चों के बारे में ही डिस्कस करूँगी। मोस्ट वांटेड वीडियो बनाई हूँ मैं, जो कि बच्चों के डायपर को लेके मुझसे पूछा गया कि कौन सा डायपर बच्चों के लिए यूज किया जाए, कौन सा नहीं यूज किया जाए, क्या कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं बोलूँ, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट करते हैं, उनको डायपर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते हैं। तो बिल्कुल डायपर पहना सकते हैं, न्यू बॉर्न को भी पहना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ आपको चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कि बच्चे को डायपर, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, यदि कहीं जा रहे हैं महीने दो महीने, तो कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह ले जा रहे हैं कि मतलब वहाँ पे बार बार चेंज करना इम्पॉसिबल है, विंटर का टाइम है तो नाइट का टाइम है, तो आप उस समय डायपर पहना सकते हैं। और बाकी टाइम पे आप बिल्कुल उसको खुला रखिए, घर में नैपकिन पहनाइए, लंगोट पहनाइए, ये सब पहनाइए, और लेकिन खुला रखिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को ना डायपर रेसेस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इवन न्यूबॉर्न बेबी नहीं, बड़े बेबी को भी, बच्चों को डायपर रेसेस होने का बहुत ही चांस होता है, जो कि उसको ठीक होने में, हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डायपर जो होता है वो मेरे ख्याल से जो यूज करना चाहिए वो या तो विंटर में प्रॉपर यूज करो, उसका भी प्रोसेस होता है विंटर में कैसे यूज कर सकते हैं कि बेबी को डायपर रेसेस ना हो, किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज जो गर्मियों में है, आप उसको, छोटे बच्चों को लंगोट में रखें, पैंट में रखें, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जब भी वो बच्चा सूसु पोटी करता है, तुरंत वॉश करें, पानी से क्लीन करें। आजकल बड़ा ही ट्रेंड है नैपकिन का, जो टिश्यू पेपर आता है उससे लोग क्लीन करते हैं, बेबी नैपकिन आता है उससे क्लीन करना चाहते हैं। बट उसका, मेरे ख्याल से उसका आप मैक्सिमम यूज करिए बाहर जब जाते हैं, तब जब आपके पास कोई भी सुविधा नहीं होता है पानी वगैरह का, तो उस समय यूज करिए। लेकिन मेरा जहाँ तक सजेशन है, बच्चों को ना, छोटे हो या थोड़े बड़े बच्चे हो, नेचर को अडॉप्ट करने दीजिए। वो जितना जल्दी आप नेचुरल को अडॉप्ट करें, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। सब कुछ कि आप उनका सुसु कर दिया, पोटी कर दिया, तो उसका पानी से क्लीन करिए, ना कि वाइप से यूज करिए। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बेबी को किसी भी तरह का डायपर रैशेस वगैरह नहीं होगा। इसके लिए मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से मैंने बना रखा है वीडियो, तो चलो वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप। तो अभी फ़िलहाल की डायपर, इंडिया में जो डायपर है वो कौन सा डायपर बेस्ट है बच्चों के लिए, तो मैं अभी, पहले तो मैं एक 13 साल तक मैं ना बच्चों में अपने बेटे के लिए यूज करती थी हगीज और पैम्पर, दो ही डायपर यूज करती थी, और जो कि काफ़ी बेस्ट रहा है, वेल नोन कंपनी है। हगीज बाहर की कंपनी है, पैम्पर भी बाहर की कंपनी है, तो वो FSSAI से पूरा अप्रूव्ड होके आता है, तो वो तो बेस्ट है ही। लेकिन थिंग इज दैट कि वो काफ़ी महंगा हो जाता था, बेस्ट तो है ही लेकिन काफ़ी कॉस्टली हो जाता था बच्चे का डायपर। मतलब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो चीप में भी बेस्ट मिल जाए तो उसको ज़्यादा अच्छे से मतलब अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो ये तो मैंने यूज किया ही किया, उसके साथ साथ मैंने कपड़े का भी नैपकिन यूज किया, कपड़े का भी डायपर आता है उसको भी यूज किया, और हिमालय का भी यूज किया। सबसे पहले मैं बात करूँगी हिमालय डायपर का। हिमालय डायपर मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि वो करीब एक बार के सुसु से उसका वो भर जाता था और वो लटक जाता था। तो उससे अच्छा है कि आप घर का नैपकिन या घर का पैंट या घर का लंगोट बच्चे को यूज करें, क्योंकि वो अननेसेसरी पैसा खर्च करने वाली बात हुई कि ये बच्चे ने एक बार सुसु किया और वो लंगोट भर गया और अनकम्फर्टेबल फील करने लगा डायपर में। तो हगीज को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, सॉरी हिमालय को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। हर्बल है, कहीं ना कहीं कुछ मतलब अच्छा होगा, बट मुझे पसंद नहीं आया हिमालय, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। एक बार मंगाया था, फिर मैंने दोबारा नहीं मंगाया। और कपड़े का भी डायपर मैंने यूज किया। कपड़े का डायपर में बेनिफिट ये है कि वो
काफ़ी वॉशेबल होता है और सॉफ्ट होता है, बच्चे की स्किन में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, कॉटन का होता है। बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो एक सूसू के बाद दूसरा सूसू करता है तो वो भर जाता है, तो इस वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो रात में आप नहीं पहना सकते हैं, दिन में पहना सकते हैं उसको, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि रात में पहनाइए, क्योंकि रात में ऐसा होता है कि बच्चा सो रहा है तो सब आँख भी लग जाती है, तो आपको बार बार दो दो घंटा तीन तीन घंटा, क्योंकि उस समय बच्चे सूसू पोटी भी बहुत करते हैं, तो दो दो घंटा सोए में तो सूसू ही करेंगे, पोटी तो करेंगे नहीं, तो दो दो घंटा तीन तीन घंटा उठ के आप डायपर चेंज करो, या मतलब जो डायपर वो कपड़े का डायपर चेंज करो, फिर नींद खोलो। इस बहुत सारा काम होता था हमें, बच्चे का दिन भर संभालना करना और दिन भर ये उनको टांगे रहना, सा घर का सारा काम करना और रात को भी उठ उठ कान का डायपर चेंज करना, तो मेरे से नहीं हो पाया। मैं दिन में ही थोड़ा बहुत कपड़े का डायपर पहना देती थी, वो भी घर में। यदि बाहर जाना हो तो मैं प्रेफर नहीं करती थी, बाहर जाना हो तो मैं नॉर्मल ही डायपर पहनाती थी, इस टाइप का डायपर पहनाती थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कपड़े का डायपर, और मतलब कपड़े का डायपर से अच्छा है कि आप उसमें पैसा खर्च करने से अच्छा है कि घर का आप नैपकिन यूज करिए, घर का बना हुआ जो लंगोट आता है बच्चों का त्रिकोना। अभी मेरे पास है नहीं, है शायद मेरे बच्चे का निशानी रखा हुआ है, मैं नहीं अभी दिखा नहीं पा रही क्योंकि कभी दूर रखा हुआ है, बक्से में रखा हुआ है, तो फिर लाना उसको दिखाना। तो जो बच्चों का त्रिकोना लंगोट होता है ना, वो पहना सकते हैं, वो बच्चों को काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और जब भी आप डायपर चेंज करिए या लंगोट चेंज करिए, बच्चा जब भी सूसू करता है उसको पानी से वॉश करिए, पानी से वॉश करने के बाद उसको ड्राई होने दीजिए, पेट ड्राई होने दीजिए। उसमें पाउडर वगैरह केमिकल वगैरह लगाने का बिल्कुल ही मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे एम्स के डॉक्टर ने मुझे मना मतलब बोला था कि आप पाउडर वगैरह और जो बच्चों का लोशन होता है ये सब यूज़ ना करें, ये सब अननेसेसरी खर्चे होते हैं और कोई फ़ायदा नहीं करता। सबसे अच्छा ये है कि थोड़ा सा नारियल तेल लीजिए और उसमें कपूर डाल लीजिए और उस कपूर को मेल्ट होने तक वेट करिए। जब कपूर मेल्ट हो जाता है, उस नारियल तेल को आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट में या जहाँ भी स्किन रैसेस हैं या किसी भी तरह का बच्चे का स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सके तो मसाज करिए नारियल तेल और कपूर के मिक्सचर को, तो वो बच्चे में कभी भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देगा और साथ ही बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो सेफ रखेगा, और सेफ रखेगा, किसी भी तरह का रैशेस या स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देगा। क्योंकि डायपर पहनाने के बाद कभी भी फुंसियाँ भी आने लगती हैं, वो भी नहीं आता है तेल यूज करने की वजह से। तो हाँ, अब डायपर हम कितने घंटे तक पहना सकते हैं, कुछ डायपर में लिखा रहता है कि 12 घंटे लीकेज प्रोटेक्शन देता है, बट ये याद रखिए कि चाहे कोई मर्जी डायपर हो, एक से एक ब्रांडेड डायपर हो, कोई भी मर्जी डायपर हो, कभी भी 12 घंटा आप ना पहनाएं, क्योंकि वो तो बच्चे का जो यूरिन है या फिर सुसु है उसको तो ऑब्जर्व करता है, बट बच्चे वो बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता इतने देर तक डायपर पहना, वो भी हाइजीन रहना चाहते हैं। तो मेरा जहाँ रिकमेंडेशन है, जहाँ हम करते थे पाँच से छः घंटे तक डायपर में ही रखते थे, उसके बाद डायपर रिमूव कर देते थे। इसकी वजह से मेरे बच्चे को कभी भी मतलब रैशेस वगैरह नहीं हुआ। और गर्मियों में तो हम डायपर दिन में बहुत कम ही कोशिश करते थे कि पहनाएं, और मैक्सिमम हम खुला ही रखते थे, रात को ही पहनाते थे। और जहाँ तक विंटर की बात हुई, तो विंटर में डायपर जो है आप 24 आवर पहना सकते हैं बस, बट उसमें भी शर्त है, क्योंकि आप विंटर में खुला, गर्मी में तो खुला रख सकते हैं बट विंटर में खुला नहीं रख सकते बच्चे को, क्योंकि उस समय विंटर के टाइम पे बच्चे कुछ और ज़्यादा ही सूसू करते हैं, जो गर्मी में थोड़ा कम करते हैं, गर्मी में विंटर में उनका डबल होता है सूसू। तो जैसे कपड़ा पहना है वैसे पता चला कि उनका पैंट गीला हो गया। तो 24 आवर पहना सकते हैं, बट आपको 24 आवर में से 4 घंटे आपको घटाना होगा, 4 घंटे आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, कि जब भी बच्चा दिन में कम से कम आप
18 घंटा या 19 घंटा पहना सकते हैं डायपर, बट जो आपका चार या पाँच घंटा बचता है या 6 घंटा बचता है मिनिमम भी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि धूप उग ही नहीं रहा है, धूप आ ही नहीं रहा है, तो डायपर में ही रखना बेहतर होता है। तो दिन में 2 घंटे आप बिना डायपर का ही रखिए बच्चे को, और खुला खुला बिल्कुल ना छोड़िए। यदि धूप है तो धूप में ले जाके खुला छोड़ सकते हैं। धूप का सन का जो वार्मनेस होता है वो जाना चाहिए, सन का रेज जाना चाहिए उसकी स्किन में। और उसके बाद यदि 2 घंटा आप खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद पहना सकते हैं डायपर कंटिन्यू। कुछ नहीं होगा बच्चे को, क्योंकि मेरे साथ भी मैंने भी सेम किया। अभी 2 साल को होने को आया है मेरा बेटा, तो फिर मैं क्या करती थी, हमारे यहाँ ना कभी दिल्ली में तो कभी कभी पूरा धूप ही नहीं आ रहा है, 3 दिन 4 दिन धूप नहीं आ रहा है, तो मैं यही करती थी कि पूरा घर को बंद कर दिया। और पूरा घर जब गर्म हो जाता था थोड़े टाइम के लिए, मैं रूम हीटर चला देती थी। रूम हीटर में भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए, हालांकि रूम को मैं पहले बच्चे को हटा के रूम हीटर चला देती थी जब वो रूम गर्म हो जाता था, तो उसके बाद में बच्चे को हीटर बंद करके बच्चे को सुला देती थी, और वहाँ पे मैं रखती थी थोड़ा देर तक कपड़े में ही, या फिर मोटा पैजामा में ही रखती थी। 4-5 पैजामा मैं एक्स्ट्रा रखती थी उसके लिए विंटर में भी। 5-4-5 मैंने तो बहुत कम बोल दिया, होता था कम से कम 1 दर्जन पैजामा मेरे पास, ताकि धूप ना उगे सूखे ना तो दूसरा काम आ जाए। तो और बच्चे को जो मतलब उसको 1 घंटा 2 घंटा मैं छोड़ देती थी पैजामे में ही, कि मतलब खुला रहे वो, डायपर से बंद, डायपर नहीं पहनाती थी मैं। तो इस तरह करके भी आप विंटर में अपने बेबी का केयर कर सकते हैं विथ डायपर भी। और यदि धूप आपके यहाँ धूप होता है विंटर में, तो आप धूप में बच्चे को रख सकते हैं डायरेक्ट सन में, क्योंकि उस समय डायरेक्ट गर्मियों में डायरेक्ट सन में रखना बेबी के लिए हार्मफुल होता है, बट विंटर के टाइम पे डायरेक्ट सन में रखना बेबी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, विटामिन डी भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप बच्चे को केयर कर सकती हैं। और जहाँ तक मेरा है कि मैं बच्चे के लिए कौन सा डायपर अभी यूज करती हूँ, 2 से 3 महीने तो मैंने यूज किया हगीज और पैम्पर, बट मैं अभी ये यूज करती हूँ बच्चे का मिक्स। ये आप देखिए, ये ख़त्म हो गया है, मैंने पेपर आज सोचा मैंने वीडियो बनाऊँ, डिमांडिंग था आज का, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं ले आया इसको दिखाने के लिए। ये है मिक्स एंड चिफ एक्टिव डायपर पैंट। ये काफ़ी चीप एंड बेस्ट डायपर है, ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिला था, और इसमें खूबी ये है कि जल्दी आपका भरता नहीं है, जल्दी बच्चे का जैसे अभी मेरा बेटा लीक बड़ा हो गया है, तो उसका कभी भी यूरिन इतना, मैंने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया, कभी भी यूरिन लीक नहीं हुआ सोए में। और इनकेस कभी ज़्यादा यूरिन कर दे भी तो भी लीक नहीं करता। और ये मैंने मीडियम मंगाया है, जबकि 7 से 12 kg के बच्चे का है, मेरे बेटे 12 kg का है, तो अभी लेकिन मेरे बच्चे को भी के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और काफ़ी अच्छा डायपर मैं इसे मानूंगी। और मैं आज की डेट में हगीज और पैम्पर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, वो एक तो महंगा भी होता है, ऊपर से जितना अच्छा वर्क ये और एक और डायपर मैं यूज करती हूँ, ये रहा ये लिटिल, ये है आपका, मुझे नाम उतना याद नहीं रहता किसी का, कॉम्फी बेबी पैंट, ये जो है देख सकते हैं ये कॉम्फी बेबी पैंट है। ये क्या है, ये साइज से बड़ा डायपर होता है, ये 7 से 12 kg के बच्चों के लिए है, और मेरा बेटा 12 kg का है, और मैं इसे पहनाती हूँ, वो साइज में से बड़ा होता है। जैसे कुछ कुछ बच्चे आप जैसे 13-14 kg के भी बच्चे होते हैं, तो उसको भी आप पहना सकते हैं इसको, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और ये जो ब्लू लाइन होता है, ये येलो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये येलो लाइन है, तो ये पूरा भर जाता है, तो ये ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, मैं इसको काफ़ी रिकमेंड करूँगी कि जो लोग बहुत महंगा डायपर यूज़ नहीं करते हैं, और ये न्यू ब्रांड है कंपनी, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब बनाती है ये। और मैं इसके बारे में बता दूँ, ये मुंबई मार्केटेड एंड पिरामिल फार्मा लिमिटेड, पिरामिल फार्मासी है,
और ये मुंबई में है, पैरामिल वालों का है ये, तो काफ़ी फार्मेसी की है तो काफ़ी अच्छा है, दवाई वगैरह भी बनाती हैं तो बच्चों से रिलेटेड तो अच्छा ही प्रोडक्ट बनाएगी। ये है फ्लिपकार्ट का अपना खुद का ब्रांड है ये मिस एंड चिफ मार्केटेड बाय, हाँ, और ये फ्लिपकार्ट मार्केटिंग करता है ये, लेकिन ये मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिक्लेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये भी है बच्चों के लिए स्पेशल ब्रांड है, ये बच्चों के लिए ही बनाता है मिस एंड चिफ तो, और फ्लिपकार्ट इसको प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है। मैं फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करती हूँ मोस्टली, तो ये फ्लिपकार्ट का ही परचेज है। मैं लिंक भेज दूँगी आपको, और इसका कोई भी मतलब प्रमोशन या फिर कुछ भी मैं नहीं कर रही, कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ, और काफ़ी सस्ता है ये, और इसका मैं प्राइस बता दूँ 50 मीडियम है ये, 56 पैंट आया है, मात्र मुझे इसमें 750 लिखा है तो मुझे मिल गया था 550 या 600 के करीब में मिल गया था, और 56 पैंट, और जबकि आप पैम्पर और हगीज़ का लेते हैं तो ये 750 या 800 के रेंज में आता है, इतना ही पीस। तो मैंने प्राइस कंपेयर किया था लेने से पहले, और मैंने इसकी क्वालिटी कंपेयर की थी, और बच्चे को कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल कौन सा है ये सभी मैंने कंपेयर किया था, तो मुझे सॉफ्टनेस और कंफर्ट में कोई भी कमी नहीं लगी कंपेयर टू हगीज और पैम्पर। ये भी बहुत बेस्ट है, एक बार मेरे कहने पे आप यूज कर सकते हैं मेरी, क्योंकि इसके लिए मैं गारंटी देती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये, और प्लीज़ यदि यूज करेंगे आप तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर डालना, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे अच्छा लगा वो आप लोगों को भी अच्छा लगा, यदि ख़राब लगे तो भी बताना कि ख़राब है, तो मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगा, मेरे बेटे के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है ये, तो ये दोनों ही अभी मैं यूज कर रही हूँ, छः महीने से अप्रॉक्स ओवर हो गया है, तो मैं यही यूज कर रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया है, और कपड़े का डायपर मैं अभी बिल्कुल नहीं यूज कर रही क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, गर्मी का अभी टाइम है, तो घर पे दिन भर मैं खुला पैंट में ही रखती हूँ, और रात में 2 साल के बच्चे को डायपर पहनाती हूँ ताकि वो जो उसका यूरिन हो, सुसु हो, बेड पे ना जाए, इसको अच्छे से मतलब सोख लेता है सारे यूरिन को, और बच्चे का जो स्किन होता है बिल्कुल ड्राई रखता है, और किसी भी तरह का अभी तक तकलीफ नहीं हुआ है बच्चे को मेरे, तो आप भी यूज कर सकते हैं ये डायपर और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।